Guys, welcome to Be Educare. My name is Surya Sir, and today in this particular video, we'll talk about MH Law five years 2023, the category-wise. एक्सपेक्टेड कट ऑफ यस गाइज रिजल्ट आउट हो चुका है स्टार्ट को लेकर मैंने ऑलरेडी बना दी थी आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी इनकेस अगर नहीं देखी गाइज चैनल पर जाओ अभी देख लो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे विद रिस्पेक्टर्स विद रिपेक्ट टू द्री ईयर्स आई नो थ्री ईयर के स्टूडेंट्स भी काफी कुछ पूछ रहे हैं उनके लिए भी डेटा मिलने वाला है नाउ दिस रिस्पेक्ट टू दी लॉ फाइव ईयर सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टूच पर्टिकुलर कैटेगरी आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो कट ऑफ तो पता होना चाहिए और कट ऑफ को लेकर बात करना क्यों जरूरी है क्योंकि फ्रेंड्स काफी सारे कॉलेजेस है जहां आप देखोगे कि ओएमएस के लिए कट ऑफ हो जा रहा है कम लेकिन महाराष्ट्र के लिए कट ऑफ बढ़ रहा है टॉप टायर सिटीज में देखोगे तो ओएमएस के लिए कट ऑफ बढ़ रहा है महाराष्ट्र का कट ऑफ जो है वो कम हो रहा है इसके काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं सो so, इसी के लिए हमें बात करनी है इन डिटेल कटऑफ के बारे में सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो वेरी फर्स्ट वन वी हैव क्रिएटेड एमएच लॉसिटी 5 इयर्स एक्सपेक्टेड कटऑफ की पूरी लिस्ट जितने भी कॉलेजेस हैं उन कॉलेज की पूरी लिस्ट है कैटेगरी वाइज उनके कटऑफ है आउट ऑफ 150 कितना आपको स्कोर लाना है टू गेट इंटर इनटू दैट पर्टिकुलर कॉलेज आप चाहे किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हो नियर बाय आप ढूंढ रहे हो चाहे आप नागपुर के कैंडिडेट हो या फिर नासिक के हो और आप ढूंढ रहे हो कि मुझे वहां के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है लेकिन मैं कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और मेरे स्कोर कम है तो क्या मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा गाइस बहुत सारे डाउट्स हैं इन डिटेल बात करेंगे और मैं यहाँ आपको कैटेगरी वाइज का टॉप भी बताने वाला हूँ ओके सो वी हैव लॉन्च द कैप रिलेटेड द कैप कोर्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या था कैप नोटिफिकेशन अपडेट्स क्या क्या है जब तक राउंड चलेगा तब तक आपको पूरा कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला है कंप्लीट प्रोसेस वीडियो स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस आपको मिलने वाली है एंड सपोर्ट ओवर चैट बिटवीन 12 पीएम टू 5 पीएम और आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी

58 वाले को भी एडमिशन मिल गया है कैसे गाइस इनका एक रिजर्वेशन होता है एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन एंटी ए के लिए कितनी सीट रिजर्वड है एंटी बी के लिए कितनी है ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है पर्टिकुलर कॉलेज का सीट मैट्रिक्स क्या है सीट तो हमें पता है 180 लेकिन सीट मैट्रिक्स क्या है कितनी सीट हो सकती है क्या उस पर्टिकुलर कैटेगरी की 15 सीट्स है तो उन 15 बच्चों को एडमिशन मिल पाएगा कैसे मिलेगा सो इन डिटेल हम बात करने वाले इन दोनों प्रोग्राम में सो so उसी के लिए कैप प्रोग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है गाइज आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो वहां आपको ये दोनों पर्टिकुलर प्रोग्राम मिल जाएंगे अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर सो so गाइस कट ऑफ को लेकर यहां मैंने कुछ कॉलेजेस के लेकर इनलिस्ट किया है टॉप टेन कॉलेजेस कह सकते हो आप लास्ट ईयर के जो स्टार्ट थे गाइज उससे तो यही पता चलता है कि प्लस थ्री आपको कर लेना है इन सारे कट ऑफ में ये मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ ये एग्जैक्ट नहीं है गाइस ओके क्यों मैं बता देता हूँ क्योंकि मैंने ये देखा ईडब्लू को लेकर जहां हंड्रेड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं है कि सिक्सटी को भी यहां मिल जाए अब ये कैसे हो सकता है देखो गाइस द नंबर ऑफ कैंडिडेट फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद कट ऑफ उस पर्टिकुलर कॉलेज का उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलेज अब आई के लिए कितने पर्टिकुलर स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी ये कट ऑफ वेरी करेगा प्लस कितने सारे स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं इन राउंड वन जिनको अलॉट हुआ है लेकिन राउंड वन में एडमिशन नहीं ले रहे राउंड टू के लिए जा रहे हैं तो इसका इफेक्ट राउंड टू पर भी पड़ने वाला है सो so, ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए ओके okay? और ये सब कवर करेंगे हम कैप के प्रोग्राम में देखो गाइस एस कैटेगरी पहले हम देखते थे कि एस कैटेगरी का कट ऑफ जो है काफी कम जाता था लेकिन अब ओबीसी और एस ये दोनों लगभग साथ में ही चलते हैं ओके, सो कैटेगरी के काफी सारे स्टूडेंट्स आपका कट ऑफ हाई हो सकता है ओबीसी रिजर्वेशन जाता है तो वो हिसाब से कट ऑफ हो सकता है लो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ओके सो यहाँ हम बात करते हैं इन डिटेल और उसके पहले गाइस मुझे देखनी है सीट्स सो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में कितनी सीट है वन सीट्स सी सेल्फ फाइनेंस में कितनी है सिक्सटी सीट्स अब यहाँ मेरे को चांसेस है या नहीं ओके सो कट ऑफ क्या होने वाला ओएमएस एक सौ सोलह से एक सौ बीस के ऊपर जाने वाला है क्योंकि हमने देखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे जिन्होंने प्लस स्कोर अचीव किया है राइट right? महाराष्ट्र स्टेट को लेकर वन जीरो नाइन आप हंड्रेड एंड इलेवन तक सोचो ठीक है क्योंकि फ्रेंड्स कॉम्पिटिशन काफी टफ है हंड्रेड प्लस के ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट्स है तो वो तो टॉप कॉलेज ही देखेंगे राइट आई एल एस टू फोर्टी सीट है अब ओ एम एस के लिए कितनी सीट है महाराष्ट्र स्टेट के लिए कितनी है ओके okay? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्या कट ऑफ हो सकता है सारी चीजों के बारे में इन डिटेल बात करेंगे क्या प्रोग्राम में ओके okay? सो so, आपको ध्यान में रखना है ओएमएस एम एस को लेकर हंड्रेड प्लस एंड वन नॉट फाइव फॉर महाराष्ट्र स्टेट एंड रेस्पेक्टिव कैटेगरी आई मेंशन ओवर मैं नाउ प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ सो वन ट्वेंटी सीट्स है 110 टू 113 आपको स्कोर होना चाहिए इफ यू आर ओएमएस कैटेगरी कैंडिडेट 105 फॉर महाराष्ट्र स्टेट अब यहाँ माइनॉरिटी मेंशन किया है मैंने 87 हो सकता है माइनॉरिटी 60 भी हो हो सकता है ये 67 भी हो हो सकता है ये 80 भी हो क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो होता है वहां जो टोटल सीट्स होती है वो माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए होती है ओके सो माइनॉरिटी कैंडिडेट आप इस पर्टिकुलर कॉलेज को ट्राई कर सकते हो बेस्ट है आफ्टर यू कैन टारगेट फिफ्थ वन फिरोदिया कॉलेज उमला यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ अकेडमी मेन कैंपस उसका सब कैंपस भी है उसे भी टारगेट कर सकते हो रिजवी पीपल एजुकेशन सोसाइटीज ट अपटे कॉलेज ऑफ लॉ एंड डॉक्टर डीवाई पाटिल यूनिटेक सोसाइटीज डीवाई पाटिल लॉ कॉलेज पिंपरी जो पुणे में सिचुएटेड है ओके सो इनके रिस्पेक्टिव सीट इनटेक यहाँ मैंने मैंशन किए हैं ओ के लिए कितने कट ऑफ होने चाहिए एमएस के लिए कितने होने चाहिए एंड रिस्पेक्टिव कैटेगरी के लिए यहाँ मैंने एक्सपेक्टेड okay? so लिस्ट बनानी है तो इसी के अकॉर्डिंग बनानी है. So तो यहां आपको बता rest, सारी जो है वो मैं कैप्राम में कर दूंगा डिस्क्रिप्शन so में दे दिया है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज जो भी डाउट है Don't forget to download our app and follow us on Telegram, YouTube, Facebook, and Instagram. That's all. All the best for your career. See you in the next video.